I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel for my scholar. We already have discussed about final methods, final variables in previous videos. So today I'll be discussing about final classes in detail. Okay, so let's start. Final classes ka use hota hai in order to avoid inheritance in a program. इनहेरिटेंस क्या होता है वी ऑलरेडी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है. ओके सो देखते हैं सबसे पहले हम इसका एक प्रोग्राम. सो लेट सपोज आई हैव अ क्लास क्लास ए बी सी एंड इन दिस आई एम हैविंग अ फंक्शन वॉइड शो. हम यही हमेशा सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए ईजीली कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है सो प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो. ओके एक और मैं क्लास लेती हूँ जो इनहेरिट करती है क्लास ए बी सी को. सो आई राइट इट लाइक दिस एक्सटेंड्स ए बी सी. ओके अगेन मैं फंक्शन यूज़ कर रही हूँ वॉइड शो. मीन्स यहाँ पर ओवरराइडिंग हम यूज़ कर रहे हैं. वॉइड शो की मैंने डेफिनेशन दी यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया है. ओके इसको क्लोज कर देते हैं. मेन क्लास बनाते हैं क्लास. मैंने फाइल का नाम लिया है सी एल ए एंड पब्लिक स्टैटिक. ओके नाउ आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर क्लास डी ई एफ. सो आई राइट इट डी ई एफ ओ बी इज इक्वल्स टू न्यू डी ई एफ एंड देन आई कॉल फंक्शन शो है. तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली ओवरराइडिंग यूज़ हो रही है. ओवरराइडिंग के केस में क्या होता है डिराइव्ड क्लास का फंक्शन पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देता है. तो इट मीन्स हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए हे. सो लेट्स एग्जीक्यूट इट कंट्रोल एफ 11. देखिए हमारे पास प्रिंट हो गया है हे. ठीक ये तो था एक सिंपल सा प्रोग्राम बट अब मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पर क्लास एज अ फाइनल क्लास. तो मैंने क्या किया यहाँ पर इसके आगे कीवर्ड यूज़ कर लिया फाइनल. ठीक अब देखिए यहाँ पर वैसे एरर आ चुकी है. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं द टाइप डी ई एफ कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास ए बी सी. क्यों हमने क्या कहा कि आप किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं अगर वो क्लास फाइनल क्लास है तो इट विल शो एन एरर. तो मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए मेरे पास क्या एरर आएगी. मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और ये मेरे पास एरर आ गई है द टाइप डी ई एफ कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास ए बी सी. इट मीन्स अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाँ पर आप नहीं चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर क्लास कहीं भी इनहेरिट नहीं की जा सके तो आप उस क्लास को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ फाइनल क्लास. उस क्लास को मींस उस क्लास को कहीं पर भी आगे इनहेरिट नहीं किया जा पाएगा. उसके क्लास मेंबर्स को इनहेरिट नहीं किया जा सकेगा. ठीक है ओके गाइस आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं ऐसी वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू गुड लक.